कई समस्याएं जिनका इंसान सामना कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए हैं कि हमने वो जागरूकता खो दी है कि कई शक्तियों के साथ तालमेल में कैसे रहा जाए। अगर आप जीवन के तालमेल में आ जाएं, तो आप भी सुबह 3 बजे के आसपास नींद से जाग जाएंगे। उस समय अगर आप बैठकर वो अभ्यास करें जिनकी आपको दीक्षा दी गई है, तो उससे सबसे ज्यादा फायदा होगा। जिस तरह से धरती घूम रही है और जो भी हो रहा है, उस वजह से एक बहुत बुनियादी बदलाव आता है सुबह 3:20 से सुबह 3:40 के बीच। इसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ऐसा बस 33 डिग्री लैटिट्यूड तक ही होता है। आपका सिस्टम, मनुष्य का सिस्टम, एक विशेष तरीके से व्यवहार करता है। ये एक संभावना है। तो एक जागरूकता रही है इस संभावना का इस्तेमाल करने की। आपका जीवन उन कई चीजों का परिणाम है जिन्हें हम ब्रह्मांड कहते हैं या जिन्हें हम अस्तित्व कहते हैं। तो हम इस जबरदस्त घटना का परिणाम है जिसे हम सृष्टि कहते हैं। हम अपने आप में एक अलग जीवन नहीं है। तो जब आप तालमेल में होंगे तो कुछ चीजें होंगी। हमारे अमेरिका के टेनेसी में स्थित आश्रम में ऐसे झिंगूर पाए जाते हैं जो 17 सालों में सिर्फ एक बार जागते हैं। क्या आपने ऐसा कुछ देखा है? वो समझ जाते हैं कि 17 साल हो गए और वो जाग जाते हैं। फिर वो बच्चे पैदा करते हैं और सो जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि 17 साल हो गए, वो भी बिना किसी अलार्म बेल के। तो ये कैसे होता है? मैं कह रहा हूं कि वो प्रकृति के साथ तालमेल में है। हमने प्रकृति के साथ तालमेल खो दिया है और हमें लगता है कि यही हमारी प्रकृति है। नहीं, कई सारी बीमारियां और समस्याएं जिनका मनुष्य अनुभव कर रहे हैं वो बस इसलिए हैं क्योंकि हमने वो जागरूकता खो दी है कि उन कई सारी शक्तियों के साथ तालमेल में कैसे रहा जाए जो हमें वो बनाती हैं, जो हम हैं। तो योग वो तालमेल लाने के लिए है ताकि आप जीवन के साथ लय में हो। अगर आप जीवन के साथ लय में होंगे तो आप भी सुबह 3 बजे के थोड़ा बाद जागेंगे। अगर आप जागरूक हैं तो अचानक आपके अंदर जीवंतता की एक किरण जागेगी, और अगर आप गहरी नींद में भी हों तो भी जाग जाएंगे। आपके साथ ये होना चाहिए। इसका मतलब है आप उसके साथ तालमेल में हैं, आप जीवन के तालमेल में हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे ध्यान करना चाहिए या क्रिया? इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं। आपको वो प्रक्रिया करनी चाहिए जिसकी आपको दीक्षा दी गई है, क्योंकि दीक्षा का मतलब है आपको कोई अभ्यास बस सिखाया ही नहीं गया है, आपके सिस्टम में उसे उतार दिया गया है, उसे आपके सिस्टम में बिठा दिया गया है। तो वो जो भी हो, अगर आप में एक जीवित बीज है और आप ब्रह्म मुहूर्त पर जागें और वो अभ्यास करें, तो इससे सबसे ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि तब धरती के बर्ताव का आपके सिस्टम पर वैसा ही असर होता है। अगर आप एक विशेष तरह से जागरूक हो जाए, आपके अंदर एक खास तरह की जागरूकता आ जाए, तो आप बस जान जाएंगे कि वो समय कब है। अगर आप सही समय पर सोने जाएंगे तो आपको घड़ी देखने की जरूरत नहीं होगी। आप हमेशा जान जाएंगे कि 3:40 बजे हैं, क्योंकि फिर शरीर एक अलग तरह से बर्ताव करता है। उस समय अगर आप बैठकर वो प्रक्रिया करें जिसकी आपको दीक्षा मिली है, वो नहीं जो आपने किताबों से पढ़ी है, तो सबसे ज्यादा फायदा होगा। उस समय बीज को अंकुरित होने के लिए जरूरी मदद मिल जाएगी, या वो अन्य समय के मुकाबले ज्यादा तेजी से विकसित होगा। ये सिर्फ दीक्षित लोगों के ही लिए है। अगर आप दीक्षित नहीं हैं, आप किताब योगी हैं,
तो 3:40, 6:40, 7:40 इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोगों के लिए संध्या काल ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। संध्या मतलब सूरज के उगने से 20 मिनट पहले से 20 मिनट बाद तक, या सूरज डूबने से 20 मिनट पहले से 20 मिनट बाद तक। दोपहर और आधी रात के लिए भी यही सच है, लेकिन उनकी प्रकृति अलग है, तो ये दो संध्याएं उनके लिए बेहतर हैं जो दीक्षित नहीं है। 3:40 उनके लिए अच्छा है जिन्हें शक्तिशाली दीक्षा मिली है।